भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सबके प्रणाम। अपना सीनी के प्रणाम। ज्योतो को मनोज जोहार। दुपर बेला है सोबाय के नमस्कार। बाबा तिलका मांझी, सिदो काना, चांद भैरव और फूलो जानो की वीर संथाल भूमि को मैं सर झुकाकर नमन करता हूं। संथाल की ये धरती क्रांति की धरती है। ये देश के लिए जीने मरने वालों की धरती है। इस धरती पर ये जन सैलाब इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहने हमें आशीर्वाद देने आई है। आपके आशीर्वाद ने ये पक्का कर दिया है फिर एक बार मैं देख रहा हूं जितने लोग इस पंडाल में है उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपको जो असुविधा हुई है, आपको जो ताप में तपना पड़ रहा है, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं का इतनी तेज धूप में आप तप रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपकी इस तपस्या के बदले में विकास करके जरूर लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। साथियों, 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था। तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। जो आगे आने की कोशिश करते हैं, कृपा करें वहीं रुकिए, अब आगे संभावना ही नहीं है, आप वहीं रुके रहिए। आप याद करिए 2014 में मोदी के आने पहले रोज रोज घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? घोटाले होते थे ना। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटने में बिल्कुल एक ही काम 24/7 लूटो। मोदी ने आकर वो सब बंद कर दिया।
जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर दिया, हमने गरीब माताओं बहनों को गैस सिलेंडर दिया, हमने देश के हर गांव में बिजली पहुंचाई। इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? हमारे गांव, गरीब और दलित आदिवासी परिवारों को हुआ। हमारी माताएं बहनें जिन्हें पहले की सरकारों ने पूछा तक नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने उनका जीवन बदला, उनकी परेशानी दूर की। भाइयों और बहनों, जो काम 10 साल में हुआ है, अब अगले 5 साल उसे और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का मेरा संकल्प है। चार जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। अच्छा, आप लोग मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, अभी आप गांव-गांव जाते होंगे, अलग अलग मोहल्ले में जाते होंगे, अलग अलग बस्तियों में जाते होंगे, जहां भी आपको कोई गरीब अगर झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई अगर कच्चे मिट्टी के मामूली घर में रहता है, तो आप मेरा एक काम करना, उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना। और उसको कहना, मेरी तरफ से आप गारंटी दे देना उसको, उस परिवार को कहना कि जब 3 करोड़ घर बनेंगे तो पक्का घर तेरा भी उसमें होगा। बताओगे? बताओगे? देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मोदी है, मोदी कोई और नहीं, आप ही मेरे मोदी। करोगे ना? हिम्मत के साथ लोगों को कह देना, क्योंकि मैं करने वाला हूं, बातें नहीं करूंगा, काम करके दिखाऊंगा। साथियों, आपको बिजली का बिल न देना पड़े, इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो मैंने ऑलरेडी चालू कर दी है। इस योजना के तहत आपको हर घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपया मोदी देगा। हर एक को
ताकि आपके घर पर सोलर पैनल लगेगा और जो बिजली पैदा होगी आपका बिजली का बिल जीरो। ये मोदी का संकल्प है, आपका बिजली का बिल जीरो। इतना ही नहीं, जो ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीदेगी, बदले में आपको कमाई होगी, पैसे मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए, कोई चाहेगा कि गरीब की ये सेवा रुकनी चाहिए? हर कोई चाहेगा नहीं, काम आगे बढ़ना चाहिए, और इसीलिए मोदी को आशीर्वाद चाहिए। कोई चाहेगा कि जरूरतमंदों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जामुमो, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग खुलेआम बेशर्मी के साथ धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं मोदी को हटाना है, और क्यों हटाना चाहते हैं? ताकि फिर से उनको घोटाले करने का मौका मिल सके। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये घोटाला करने देंगे क्या? घोटाला करने देंगे क्या? आप इंडी वालों को, गरीबों का हक लूटने देंगे क्या? पूरी ताकत से बताइए, लूटने देंगे क्या? साथियों, जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। आप देखिए, यहां इतने खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं ना, 13 साल मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। ये कितने बड़े मगरमच्छ है आप देखिए। जेएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से, ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से, ये पैसा आ रहा है खान, खनिज, खनन घोटाले से। अकेले साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के खनन घोटाले का पता लगा है। साथियों, इन लोगों ने जमीनें हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया। अब गरीबों, आदिवासियों की जमीन कब्जा की जा रही है। सेना, हर कोई जिसका सम्मान करते हैं, इन लोगों ने सेना तक की जमीन को, उसको भी लूटा। आपको झारखंड को इन लोगों से मुक्ति दिलानी ही होगी। भाइयों और बहनों, जेएमएम वालों ने
आपकी थाली का राशन लूट लिया है, उनको शर्म नहीं आई। ये लोग घर में पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, अरे गरीब से गरीब आदमी की गर्मी के दिनों में घर के बाहर एक मटका रखता है, पानी भरता है, आने जाने व्यक्ति को वही पीने का पानी मिल जाए। पंखियों के लिए भी छोटे से बर्तन में पानी रखता है ताकि पानी मिल जाए। मैंने हर घर में पानी पहुंचाने का काम चलाया, इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया। मैं दिल्ली से आपके लिए मुफ्त राशन भेजता हूं, वो आप तक पहुंचाने की जगह सीधा सीधा काले बाजारी में बाजार में बेच देते हैं। सरकारी अनाज से भरा ट्रक पकड़ा जाता है लेकिन लिपापोती होती है, फाइलें बंद, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सबको पता है जेएमएम खुद लूट में शामिल है। लेकिन गरीब का अन्न, गरीब का पानी, मोदी ये किसी को भी छीनने नहीं देगा। उधर एक छोटी बच्ची कब से बेचारी हाथ ऊपर करके तस्वीर लेके खड़ी है, जरा आगे उस बच्ची से ले लीजिए भाई, देखिए इतना आशीर्वाद दे रही वो बेटी। बेटा मैं करता हूं, कोई ले लेता है तो तुम अपना पता लिख देना, पीछे अपना एड्रेस लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, जरा उसको कलेक्ट करने की व्यवस्था कीजिए, बेटी बहुत दूर है, तो जरा पुलिस के लोग उनकी मदद करके वो जो एक चित्र लाई है वो मुझ तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपकी सद्भावना के लिए, और परमात्मा तुम्हें बहुत शक्ति दे। मैं हैरान हूं, मैं पूरा समय बोल रहा हूं ऐसे ही खड़ी थी, एक बार भी उसने हाथ नीचे नहीं किया। साथियों, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी दलित, वंचित, आदिवासियों के लिए समर्पित है, समर्पण भाव से काम करती है, सेवा भाव से काम करती है, हो सके उतनी सेवा करती है। हमने आदिवासी कल्याण के लिए 4 गुने से ज्यादा बजट बढ़ाया। हम जनजातीय इलाके में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। आदिवासी इलाकों में खनिज का पैसा आपके बच्चों के लिए खर्च हो, हमने इसके लिए कानून बनाया। हमारी सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इन्होंने बीजेपी की योजनाओं का विरोध किया, इन्होंने आदिवासी इतिहास को सामने नहीं आने दिया। इंडी जमात ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति चुनाव हरवाने के लिए भी सारी ताकत झोंक दी थी।
साथियों, इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है। उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई। आदिवासियों के खिलाफ इनके हथियार है नक्सलवाद, घुसपैठ और तुष्टीकरण। आप याद करिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, नक्सलवाद फलता फूलता रहा। हमारे होनहार बच्चे, इनका जीवन बर्बाद होता रहा। उन बच्चों की माताएं आंसू बहाती रही, बेटा चला गया। नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कौन जला? अगर नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कोई जला है तो मेरा आदिवासी परिवार जला है। अब झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की जमीनें घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, हमारी आदिवासी बेटियां घुसपैठियों के निशाने पर आई है कि नहीं आई है? बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बेटियों का जीवन खतरे में है कि नहीं है? 50-50 टुकड़े करके बेटियों की हत्या हो रही है। किसी आदिवासी बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। किसी आदिवासी बेटी की जुबान खींच ली जाती है। आदिवासी बेटियों को निशाना बनाने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर क्यों इन्हें जेएमएम सरकार पाल पोस रही है? और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब यहां अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिला है
बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। और जब मैं इनके इस गौर सांप्रदायिक नकाब को उतार देता हूं, इनकी ये आदिवासी विरोधी हरकतों को उजागर करता हूं, दलित विरोधी उनकी हरकतों को उजागर करता हूं, तो इनको न रात को नींद नहीं आती है, अनाप शनाप भाषा बोलते हैं, ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट कतई नहीं होने देगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने ये इंडी वालों को एक ऐलान मांग की है, उनसे करीब एक महीना सवा महीना हो गया, मैं इनको कहता हूं आप लिखित में देश को विश्वास दो कि आप दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण छीनेंगे नहीं, लूट नहीं लेंगे। लिख करके नहीं देते हैं। मैं उनको कहता हूं दूसरा लिख करके दो, आप संविधान बदल करके हमारे एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, वो आरक्षण मुसलमानों देने का संविधान में बदलाव नहीं करोगे। मैंने तीसरा उनको कहा कि रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बनाकर ओबीसी का आरक्षण जो आपने कर्नाटका में लूट लिया है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं करोगे, ये लिख करके दो। बोलने को तैयार नहीं है भाई, ईमानदारी है तो जरा हिम्मत से बताओ ना, क्यों चुप बैठे हो? इसका मतलब मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे ओबीसी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, आप जाग जाइए, ये लूटने की ताक में बैठे हैं। आपको जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, जो भारत के संविधान ने दिया है, इसको लूटने के लिए ये लोग बैठे हैं। साथियों, मोदी आपकी तरह ही गरीब परिवार में पैदा होकर के आपके आशीर्वाद से यहां आया है, और इसलिए जिन दलित, वंचित, आदिवासी इलाकों में कभी विकास नहीं हुआ, मोदी वहां विकास कर रहा है। हमने आकांक्षी जिले बनाए, वहां विकास शुरू किया, इसका सबसे ज्यादा लाभ आदिवासी इलाकों को हुआ। हमारा झारखंड, हमारा संथाल परगना, ये क्षेत्र आज विकास के नए आयाम छू रहा है। देवघर में एम्स बना है, एयरपोर्ट बना है, साहिबगंज में गंगा पर पुल पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, बनारस, रांची, कोलकाता ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है, साहिबगंज मनिहारी फोर लेन का काम भी पूरा होने वाला है।
साहिबगंज में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है, हम यहां लॉजिस्टिक पार्क भी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, ऐसे कितने काम एक साथ इस क्षेत्र में हो रहे हैं। इन विकास कार्यों से यहां का भविष्य बदलेगा, आपकी तो जिंदगी बदलेगी, आपके बच्चों की जिंदगी इससे भी शानदार होगी, इससे भी जानदार होगी, इससे भी ज्यादा होनहार होगी। युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, हमें झारखंड को विकास की और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। विकास की एक गारंटी आपके एक वोट से आएगी। आपके वोट की ताकत आपका भविष्य बदलने वाली है। आपके एक वोट की ताकत आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने वाली है। और इसलिए दुमका से हमारी बहन श्रीमती सीता सोरेन जी, गोड़ा से हमारे पुराने साथी निशिकांत दुबे जी और राजमहल से श्री ताला मरांडी जी, मेरा अनुरोध है कमल के फूल पे बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और आपका वोट, जब आपको इनको वोट कमल दबाएंगे ना, तो मेरे लिए वो कमल का फूल आशीर्वाद बन करके दिल्ली आएगा। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके भरके करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, आपके हर गांव में कोई न कोई देवस्थान होता होगा, उस देवस्थान में या तो आप रोज पूजा करते होंगे, या संडे को जाते होंगे, या किसी त्योहार में जाते होंगे, और पूरा गांव देवस्थान का आदर करता होगा। तो मेरा एक काम करना है, करोगे? इतना करिए, जब आप वापस जाए तो देवस्थान पे जाकर के मोदी की तरफ से माथा टेकना। मत्था टेकेंगे और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना, मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगिए। करेंगे, पक्का करेंगे। मुझे विश्वास है आपकी ये प्रार्थना 140 करोड़ देशवासियों को मजबूती देगी, उनके सपने पूरे करेगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।